इनको नहीं पानी फिराना अफतारी के बाद फकत अफतारी के वक्त पानी ही पिला दिया अल्लाह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो बंदा रोजादार को इस हाल में रोजा अफतार करे उसके पास और कोई भी चीज ना हो फकत पानी है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उस पर इतना करम फरमाएगा कि वो पुलिस रात से इतनी तेजी के साथ गुजर जाएगा कि बिजली की तरह पुलिस रात पार कर जाएगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर इस कदर करम की बात इतनी बरकत है अल्लाह अल्लाह अगर नसीब हो रही हो तो जो पेट भर के इफ्तारी कराए सुभान अल्लाह कितना करम होगा सुभान अल्लाह याद रखो अजमतों वाला महीना है रहमतों वाला महीना है और इस माह मुकद्दस में जो सदका करता है क्योंकि मदारिस के हवाले से अक्सर सदकों की अपील की जाती है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा किसी रोजादार के हवाले से कोई भी किसी यतीम को या गरीब को एक लिबास अता कर देता है अल्लाह अल्लाह एक लिबास एक सू फकर अगर कोई रमजान मुबारक में फकत एक सूट किसी नंगे को पहना दे किसी गरीब को पहना दे अल्लाह करीम का मैदान महशर में 7 लाख हुल्ले उसको पहनाएंगे कितने हुल्ले किसी दीन के तालिब इलम को किताबें मुहैया कर दे उसके जो पढ़ाई के अखराजात हैं उसमें वो हाथ बैठा दे उस पर कितना करम होगा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी चल रहा है अल्लाह करीम मजीद बरकतें वो साथ में अता फरमाए दीन का अजीम मरकज बना दे आमीन सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदके उनके नाम की बरकतें जरूर नसीब सुभान अल्लाह वालिदैन सबको प्यारे होते हैं ना वालिदैन सबको प्यारे होते हैं रात को एक आलम दीन ने बात बयान फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान के मजारे पर अनवार पे कुछ बंदे हाजिर हुए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक के हाल में उन्हें फरमाया तो मेरी माँ की खिदमत में अकदस में आए हो ना मेरी वालिदा की खिदमत अकदस में आए हो और तुम्हारे लिए ये बशारत है कि तुम्हारे वालिदैन की बख्शिश मगफरत का मैं जिम्मा उठाऊंगा अल्लाह अकबर जरा सोचो तो सही हम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा अम्मा जान की बारगाह में मोहब्बत पेश फरमाएंगे तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफाअत हमें अता फरमाएंगे अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है मालिक अर्ज़ो समा हमें रमजान मुबारक के एहतराम की अजीम बरकतें भी अता फरमा दे और हमें इस हाल में इस मोहब्बत के साथ रमजान शरीफ का तकद्दस रखने की तौफीक अता कर कि हम ऐसे बन जाए जिस तरह तेरी रजा तेरे प्यारे हबीब की रजा और अपने पीर मुर्शिद की रजा अल्लाह करीम सारे मुखलिसीन पे करम फरमाए और हमें रमजान मुबारक की अजीम बहार से मालामाल फरमाए रमजान शरीफ के कबल अज वक्त बहुत बहुत मुबारक अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहब्बत के साथ रमजान शरीफ के रोजे रखने की और जिस तरह रोजों का हक है उस तरह रमजान शरीफ के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह